जय जिनेन्द्र। मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जैन धर्म को जिन धर्म क्यों कहा जाता है। साथ ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि भाई, आप वीडियो के लास्ट में जो जिन शासन बोलते हो उसका क्या मतलब है। मित्रों, जिन्हें पता है वो तो समझते हैं, किंतु कुछ अर्थ का अनर्थ निकालने वाले तो यहाँ तक कह देते हैं कि जिन धर्म मतलब यह जिन अर्थात राक्षसों का धर्म है और इसे मानने वाले जिन के उपासक। अब ऐसे कम बुद्धि लोगों के लिए कहना ही क्या, मुझे तो इनकी बातें सुनकर ही हंसी आ जाती है। अब ऐसे लोगों की बुद्धि को तो भगवान ही सद्बुद्धि प्रदान करे। चलिए, कोई बात नहीं, आज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मित्रों, मात्र 2 से 3 मिनट के इस वीडियो को अंत तक देख लेना, और अभी तक आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जैन धर्म से संबंधित अद्भुत वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के सिद्धांतों के नियमों का पालन करने की प्रेरणा देने वाले तीर्थंकर भगवान जिनेन्द्र प्रभु कहलाते हैं। जिनेन्द्र भगवान वह होते हैं जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं को, भावनाओं को एवं इंद्रियों को जीत लिया हो। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं अर्थात वह जितेंद्रिय हैं, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि प्रकार से रहित आत्मा के स्वाभाविक गुण अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य से सहित हैं। अपने समस्त कर्मों की निर्जरा कर चुके हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और प्राणी मात्र को आत्मकल्याण एवं हितोपदेश का संदेश देते हैं। ऐसे परमात्मा प्रभु जैन धर्म अथवा जिन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे परमात्मा प्रभु, ऐसे जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदेशित एवं वर्णित जो धर्म है वह जैन धर्म अथवा जिन धर्म अथवा श्रमण धर्म भी कहलाता है, एवं जिनेन्द्र भगवान के उपासक जैन कहलाते हैं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। साथ ही जिन शासन के और भी वीडियोस देखने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।